अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। यूपी में चुनावी माहौल में सरगर्मी तेज होते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग और ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। साथ ही राजनेता अपने वोट बैंक को साधने के लिए भड़काऊ भाषण देने से भी नहीं चूक रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला बाराबंकी में, जहां गुरुवार को हुई ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभा में दिए गए भाषणों के बाद सियासी पारा गर्मा गया। विवाद बढ़ने पर थाना कोतवाली में ओवैसी समेत कार्यक्रम के आयोजकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो आखिर ओवैसी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद उन पर केस दर्ज कर लिया गया? तो हुआ यूं कि मंच पर भाषण शुरू करने के बाद ओवैसी का कहना था कि एक एसडीएम के द्वारा बाराबंकी में राम स्नेही घाट में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, जिसका आरोप उन्होंने प्रशासन पर लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। इसके साथ प्रशासन का कहना है कि ओवैसी के कार्यक्रम में किसी प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं हुआ, जिसके बाद उन पर महामारी अधिनियम के तहत भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सुनिए बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर क्या कहा। दिनांक 9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें COVID-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि राम स्नेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। 732/21 धारा 153A, 188, 269, 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई होती है और ये सियासी पारा कहां तक चढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई करिश्मा दिखा पाते हैं या किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं, ये दिलचस्प होगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी तक।